हिमाचल कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर भी मौजूद रहे। इस बीच कुलदीप राठौर ने राज्य सरकार पर क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के चौथे दिन का सत्र चल रहा है, लेकिन सत्र में विपक्ष नहीं जा रहा है क्योंकि विपक्ष के 5 सदस्यों को निलंबित कर दिया गया है, इसलिए सत्र में व्यवधान भी पड़ रहा है और विपक्ष अपनी आवाज को विधानसभा परिसर के बाहर बुलंद किए हुए हैं। हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए नेता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, जो अपने विधायकों का समर्थन करने के लिए, उनका साथ देने के लिए धरने पर पहुंचे हैं। आइए जानते हैं, कुलदीप राठौर साहब हमारे साथ मौजूद है। राठौर साहब, जिस तरह से 5 सदस्यों का निलंबन हुआ है, वो निलंबन को आप समर्थन करने पर पहुंचे हैं उनके साथ, आप उनकी साथ आवाज बुलंद करने के लिए, क्या पूरे घटनाक्रम में कहीं राजनीति हो रही है? निश्चित तौर ये पहली बार हिमाचल के इतिहास में हुआ कि कांग्रेस पार्टी के जो विधायक हैं, क्योंकि हम विपक्ष में न केवल निलंबित किया गया बल्कि उनके खिलाफ जो है केसेस दर्ज। मुझे लगता है कि ये सुनियोजित साजिश के तहत ये सारा काम हुआ, क्योंकि जिस तरह से अभी जो बजट सत्र चल रहा है, सरकार डिफेंस है, क्योंकि हिमाचल में लगातार महंगाई बढ़ रही है, कानून व्यवस्था के बुरे हाल हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पे, और अर्थ की हमारी जो है बर्बाद होकर रह गई। ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो शायद जिनसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बचना चाह रही थी, इसलिए एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत जो है हमारे जो विधायक हैं उन्हें जो है निलंबित किया गया। आज मैं स्वयं यहाँ आया हूँ और मैं तमाम जो हमारे पार्टी के विधायक हैं इनसे मिला हूँ, उनके साथ धरने में बैठा हूँ और पूरा जो समर्थन हमारा पार्टी का अपने विधायकों के साथ, और अभी हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों की बैठक होने वाली, आगे की हमारी क्या रणनीति होगी हम उस पर चर्चा करें। लेकिन निश्चित तौर पे हमारा अभी भी आग्रह है सरकार से कि हम टकराव नहीं चाहते, सरकार को चाहिए कि तुरंत प्रभाव से हमारे जो विधायक हैं इनका निलंबन जो है रोके, तथा जो केसेस बने हैं इनके खिलाफ वापिस ले, ताकि सदन की कार्रवाई जो है सुचारू रूप से चल सके। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, जिस तरह कांग्रेस विधायकों ने राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की की है, वो अक्षम्य है, कांग्रेस के सदस्य माफी मांगे उसके बाद ही कुछ निर्णय लिया जाएगा, डेडलॉक टूटता नहीं दिखाई दे रहा, तो क्या कांग्रेस कोई एग्रेसिव आंदोलन की तरफ बढ़ेगी? देखिए, ये कार्रवाई एक तरफ है क्योंकि धक्का मुक्की में भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी शामिल थे, जो उपसभापति है वो भी शामिल थे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई होती? अगर तटस्थ रूप से सरकार सब पे कार्रवाई करती तो हमें लगता कि सरकार ने सब पे कार्रवाई की है, कांग्रेस के विधायकों पे कार्रवाई क्यों हुई? ये इसलिए हुई क्योंकि मुख्यमंत्री नहीं चाहते थे कि सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चले, क्योंकि सदन में तमाम जो भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ इस वक्त आक्रोश है पूरे प्रदेश में, ये मामले उठते, इसलिए जानबूझ के किया गया। मैं तो अभी भी कहता हूँ कि समय रहते जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें कदम उठाने चाहिए ताकि ये गतिरोध खत्म हो, क्योंकि आने वाले समय में अगर कोई बात बढ़ती है तो उसकी जिम्मेवारी मुख्यमंत्री या सरकार। सदन के बीच में ये तल्खी और ज्यादा अब टकराव की स्थिति में दिखाई दे रही है, कल जिस तरह से कांग्रेस के सदस्य और विधानसभा उपाध्यक्ष के बीच में भी सदन के बीच में गांव सुनी हुई, और आप कैंपस में देखते हैं बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स तैनात की गई है, कांग्रेस के आपके जो विधायक एमएलए हॉस्टल में रहते हैं इन्होंने शिकायत करी है कि इनके परिवार तक को प्रताड़ित किया जा रहा है, सिविल ड्रेस में पुलिस लगाई है। ये एक विपक्ष को दबाने की कवायद चल रही है, कौन डरता है? हम कोई अपराधी हैं? हम क्या पुलिस से डरते हैं? हमने कोई अपराध किया है? अगर लोकतंत्र में अपनी आवाज को उठाना गुनाह है तो हम आवाज उठाएंगे, अगर दबाने का प्रयास होगा हम द्वारा उतनी ताकत से जो है रिस्पॉन्ड करेंगे। कांग्रेस की अगली रणनीति क्या होगी अगर सरकार इस डेडलॉक को नहीं तोड़ती है, क्या कांग्रेस प्रदेश व्यापी आंदोलन शुरू करेगी? हम बात करते हैं, आज हमारी मीटिंग चल रही है, हम मीटिंग में अपने जो तमाम लोग हमारे आए हैं उनसे चर्चा करें और जो भी हमारी रणनीति बनेगी हम इसका खुलासा करें। विधानसभा परिसर के बाहर कांग्रेस के विधायक जो निलंबित है
वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ देने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हैं। उन्होंने दो टूक शब्दों में सरकार को कहा है कि अगर सरकार इस निलंबन को वापस नहीं लेती है तो उनके पास प्रदर्शन करने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। तो विपक्ष पूरी ताकत के साथ वापस लौटेगा और इससे भी ज्यादा हमलावर तेवरों के साथ सरकार की घेराबंदी करेगा। फिलहाल विधानसभा परिसर में यह डेडलॉक टूटता नहीं दिखाई दे रहा है, हालांकि सत्र अंदर शुरू हो गया है, लेकिन विपक्ष है वो इस बात को लेकर अड़ियल रुख अपनाए हुए कि जब तक उनके विधायकों का नंबर वापस नहीं लेते हैं तब तक सदन की कार्यवाही को चलने नहीं देंगे। शिमला विधानसभा परिसर से इंडिया न्यूज के लिए कपिल के साथ उमेश शर्मा। विधान चलिए यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे।